नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड मैट्रिक लेवल वैकेंसी 2023 के बारे में। तो झारखंड की तरफ से यहाँ मैट्रिक लेवल के लिए भर्ती निकाला गया है, तो आज हम इसके नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं कब से कब तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ये है इसका नोटिफिकेशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। परीक्षा शुल्क जो लगेगा आपको यहाँ पे 100 रुपया लगेगा, परीक्षा शुल्क 100 रुपया। परीक्षा शुल्क में छूट उन लोगों को मिलेगा जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए जो है परीक्षा शुल्क 50 रुपये लगेगा। रिक्तियों का विवरण यहाँ बताया गया है। अगर आप कीट पालक एवं समक्ष उद्योग विभाग के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज में यहाँ बांट दिया गया है। टोटल जो यहाँ 268 वैकेंसीज रखा गया है। अनारक्षित के लिए 106, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 है, अनुसूचित जाति के लिए 27, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन लोगों के लिए 28 रखा गया है वैकेंसी। फिर अगर आप यहाँ पे कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद उद्योग विभाग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ टोटल जो है 187 वैकेंसीज रखा गया है। फिर आपका यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया, पद एवं विग्रीकरण। तो कीट पालक एवं समक्ष पद के लिए यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल वन का आपको पेमेंट मिलेगा 18,000 रुपया से लेके 56,900 रुपया तक। यहाँ पे आपको 10 पास मांगा गया है और आपका यहाँ पे चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। सेरिकल्चर का, सिल्क वीविंग, डाइंग प्रिंटिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अथवा 2 वर्ष 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर आप कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं तो लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक। यहाँ पे आपको मान्यता प्राप्त शैक्षणिक न्यूनतम मैट्रिक पास किया हुआ होना चाहिए, 1 वर्ष के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, हस्तलिप क्षेत्र के ख्याति प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम जो आपको यहाँ पे एज मांगा गया वो 18 ईयर्स रखा गया है। मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर है तो 35 साल तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं पुरुष तो आपको यहाँ पे 37 साल हुआ तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो महिला है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों का 38 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 साल रखा गया है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है 4 जुलाई से, लास्ट डेट जो है 3 अगस्त तक रहेगा। आपका जो यहाँ सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा होगा, 2 घंटा का टाइम मिलेगा और आपका जो परीक्षा होगा वो 3 भाग में होगा। तो एक भाग में आपका भाषा ज्ञान का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन, 2 घंटा का टाइम रहेगा, हिंदी भाषा का ज्ञान 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का 40 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका पत्र 2 में यहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर आपका पत्र 3 में सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 रहेगा, परीक्षा 2 घंटा का समय मिलेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट 3 अगस्त है।